सॉरी मुझे लेट हो गया। तुम पूछ तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार देख रही हो। जी नहीं, मुझे ये बताओ कि मुझसे मिलने दूसरी बार क्यों आए? चौथी बार। चौथी बार? अब तो भगवान की महान भक्त हैं। भगवान की पूजा में लीन रहती हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। मैं गौतम हूँ और आप मुझे अपने साथ पाकिस्तान ले जा रही हैं। मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाली थी, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। दुनिया के विनाश का वक्त नजदीक आ गया है, ये उसी का उदाहरण है कि एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को नहीं पहचानता। ये देखो तुमने मुझे ये पर्ची दी है, पासपोर्ट चेक कर लो। वो मोटू फोटो दिखा रहा था तभी डाउट हो रहा था। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मना करने वाली तुम कौन हो, बहस करने वाला मैं कौन हूँ? ये तो भगवान की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना पत्ते भी नहीं हिलते। तुम्हारी मनोकामना पूरी करने उसी ने मुझे भेजा है ना जी? तुम भगवान के नाम पर मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, भगवान ने हिंगलाज मंदिर जाने का मेरा योग तुम्हारे हाथों में लिखा है। ट्रेन आती ही होगी, जल्दी सोच लो, माँ के भक्त की मनोकामना पूरी कर दो वरना उसे बुरा लगेगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। आपका इंडो पाक बॉर्डर कहाँ है? तुम्हारी तरह बेकार नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी हेड है वो, और बड़े लोगों का इंतजार तो हर कोई करता है। ओफो। वेलकम टू पाकिस्तान, द लैंड ऑफ धाम धुम धमाल। बंदे को कयामत राजू कहते हैं। मैं कब से आ गया था, अपने रडार से आप लोगों को चेक कर रहा था। रडार से क्यों चेक कर रहे थे, पास आते तो हम तुम्हें खा जाते। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सवाल का जवाब देने को नहीं। ओके? अच्छा, ओसामा बिन लादिन से कभी मिले थे? वो साहब के बिन के बारे में अमरीकी एजेंसी को मैंने ही बताया था। मैं पाकिस्तान का नंबर 1 सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो इंडिया नहीं है। तो 30 सालों से दाऊद का है वो भी बता देते। वो तो इंडिया को भी नहीं पता। ए रुको रुको, ये फ्रंट सीट बहुत ही स्पेशल है। तो क्या टॉप फ्लोर पर जाऊं? जाओ पीछे बैठो, चांस इंडिया में मारना, अभी जाके पीछे बैठो। पहले तो तुझे मारूंगा। ओहो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अकड़ू है। कयामत जी, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लाइन खुली है? फोन एंगेज नहीं है क्या? नो। ओहो, ये लो। क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखो और साइन करना, साइन ना आए तो अंगूठा मार देना। क्यों? हिफाजत के लिए, मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम दोनों को सुरक्षित मैं ही वापस लाऊंगा। तुम्हारी जान मांग रहा है जो इतने सवाल कर रहे हो? कयामत जी की जबान तुम्हारी तरह झूठी नहीं है, चुपचाप साइन करो। शुक्रिया, ये खुदा का बैंड है, अपने पास ही रखना। हेल्प हेल्प दो बार चिल्लाना, तीसरे हेल्प में मुझे पाना। अगर दुश्मन दो बार हेल्प चिल्लाने से पहले ही उड़ा दे तो?
अब आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, अब चलिए ना प्लीज। और तुम चुप करो। अगर सेफ रहना है तो तीन बातें याद रखना। कौन सी? नंबर एक, सच मत बोलना। नंबर दो, बम से बचना। और नंबर तीन, खास तुम्हारे लिए चिकने, ज्यादा मत बोलना। इन तीनों बातों में ये माहिर है, ये झूठा कुछ भी कर सकता है। ये बहुत ही खतरनाक इलाका है, यहाँ सुल्तान का राज चलता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बिंदी निकाल दो और चुन्नी सिर पर ओढ़ लो और सिर झुकाए रखना। अगर कोई पूछे तो मत कहना मैं इंडिया से हूँ, मारे जाओगे। मैं टैक्स भर के जल्दी आ जाऊंगा। अगर झूठ बोलते पकड़े गए तो क्या जबान काट लेंगे वो? तेरी नहीं, मेरी काटेंगे। अगर ये पकड़ी गई ना तो पहले गुर्दा निकाल लेंगे, फिर खोपड़ी निकाल कर बॉल बना लेंगे। गाड़ी रोक। सलाम भाई, सलाम। कहाँ जा रहे हो? और कितना टाइम? एक बाहर क्यों है? अंदर जा, अंदर जा। ये गाड़ी में कौन है? दोस्त है, दोस्त। ये तोहफा भाई के लिए है। सलाम। तू चुपचाप अंदर नहीं बैठ सकता था, तेरी वजह से हजार ज्यादा देना पड़ा। समझता क्या है अपने आप को? चलो जाओ यहाँ से। सुनिए चाचा, गाड़ी रास्ते से हटाओ, बह रहे हो क्या? हे डेड एंड, खुद जिंदगी के डेड एंड पर खड़ा है और गाड़ी रास्ते के बीच में पार्क की है, हमें जाना है। हे एक्सपायरी डेट, गाड़ी हटा वरना तेरी वैलिडिटी खत्म कर दूंगा। एक बहरा बुढ़ा भी इस छछुंदर से नहीं डरता तो ये हमारी हिफाजत क्या करेगा? कमाल है, तुम्हारे पापा को यही नमूना मिला था। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बैठ जा। ए बुड्ढे, तू यहाँ का तोप होगा लेकिन मुझ में भी बारूद भरा हुआ है। गाड़ी हटा वरना तेरी खाल उतार कर सीट कवर बना दूंगा। इस गधे से गधा भी ना डरे। अपनी हाइट के हिसाब से कितने भारी और बड़े डायलॉग बोल रहा है। All is well, all is well, all is well. अगर ये अपनी पगड़ी और जूते निकाल दे तो उस गधे से भी छोटा लगे। खत्म कर दूंगा। मुझे परेशान करना मौत को दावत देने के बराबर है। मैं तुझे जीप से कुचल दूं या AK-97 के बुलेट से भून दूं, आज तो चलाने की प्रैक्टिस हो ही जाए। कहीं वो चाचा को मार ना दे। चींटी भी नहीं मार सकता। रुको रुको रुको, कयामत जी मेरी बात सुनिए। क्या है? दूसरे रास्ते से चलते हैं। तुम कह रही हो इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, वरना आज तो ये गया था समझो। तुमसे अच्छा तो ये गधा है जो मेरी बात मानेगा। आजा, या, या। अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, पता नहीं है 2x2 और क्या क्या करेगा। ए, गाड़ी में जो तुझे दिखाई दे रहा है ना, इस गन की कसम लौटते वक्त नहीं दिखाई देगा। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, यहाँ गोली गोली पर लिखा है खाने वाले का नाम। कौन था वो बुजुर्ग? एग्जाम्पल दे रहा था। चलो चलो, हिंगलाज देवी माता का मंदिर आ गया। तुम लोग जाकर आओ, तब तक मैं गाड़ी को चमकाता हूं। दूसरों के पाप को धोती हो पर तुम्हारा मंदिर धोने के लिए कोई नहीं है, शायद ये पुण्य मेरे नसीब में है। अब सुनो, मेरी हेल्प करो ना। तुम अकेली करो? माँ की परम भक्त तो तुम हो ना, मैं तो विजिटर वीजा पर आया हूँ, तुम्हारे पुण्य में मैं भागीदार कैसे बनूं? मैंने तुमसे कहकर ही गलती की, तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। तुम यहाँ के नहीं लगते बेटा। हाँ चाचा, मैं हिंदुस्तान से हूँ। देख कर ही पता चल गया
क्योंकि ये मंदिर तो 60 सालों से बंद है, यहाँ तो कोई आता ही नहीं। काफी प्राचीन मंदिर है, फिर भी वीरान क्यों लगता है? मैंने इस मंदिर का जो इतिहास पढ़ा है उसके हिसाब से तो लगता है ये मंदिर कुछ 700 से 800 साल पुराना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद ही ये मंदिर वीरान हो गया। श्री सत्यनारायण वर्मा, पुष्य कलावती डायमंड्स, मेरे दादाजी का शॉप का नाम है। अरे वही थैली, तुम सब यहां क्या ढूंढ रहे हो बेटा? तुम सब यानी चाचा, ये बताइए कि कौन थे वो? ये क्या ढूंढ रहा है? 3 महीने पहले ऐसी ही थैली लेकर कुछ लोग यहाँ आए थे। उन्होंने पत्थर पर जो लिखा है वो अपनी किताब में लिख लिया। कहाँ गए वो? पुरातत्व विभाग के लोग थे बेटा, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर उनका कार्यालय घोर कुश्ती में है। हेलो, पहुँचने के बाद फोन नहीं कर सकता, बेवकूफ कहीं का। पहले ये तो पूछो मैं ठीक हूँ कि नहीं। हाँ, कैसा है तू? और बता कब वापस आ रहा है? हीरे मिलते ही वापस आ जाऊंगा। बाप रे, हीरे? अपने काम को अंजाम देकर ही मैं पाकिस्तान से वापस आऊंगा। पाकिस्तान लूटने आया है, वो भी विजिटर वीजा पर। इसकी सच्चाई पता लगाते हैं, मैच शुरू करते हैं, इंडिया पाकिस्तान प्रीमियर लीग। हो गई तुम्हारी पूजा भक्ति? चले, शाम की पूजा करके ही निकलते हैं ना। गोर कुश्ती में ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ की देवी भी तुम जैसे भक्तों का इंतजार कर रही है। चलो। गोर कुश्ती में कोई भी मंदिर नहीं है। मैंने तो नहीं बताया? ये तो मुझे खुदा ने बताया। लेकिन यहाँ तो भगवान का मंदिर है। सबका मालिक एक ही है, वैसे वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ मंदिर नहीं है। उनके ऑफिस ले चलो, मुझे जानकारी चाहिए। किस बारे में? इस मंदिर के बारे में। अच्छा अच्छा ठीक है, वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, कहीं ठहरना पड़ेगा। कल सुबह चलेंगे, बैठो। वैसे तो इस चाय के ठेले पे अपनी बहुत चलती है, पर आज तू चाय पिला। चल चल, खुद के पैसे से पी। ए, मुझसे पंगा मत ले, मैं यहाँ हर जगह धमाका कर सकता हूँ। ज्यादा बोलेगा ना तो तुझे भी किसी मार्केट में खड़ा कर दूंगा और बम से तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। दूर दूर तक मैं फेमस हूँ, टेररिस्ट मेरे नाम से कांपते हैं, चाय नहीं पिलाएगा। एक चाय मारो इसे। कयामत साहब, क्या हुआ? आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया है? कौन है? कहता है उधार चुकाना है। अच्छा ऐसा? कहाँ है? ये तुम, रुको, ये लो, ये रोटी खाओगे? रोटी, तंदूरी रोटी मेरी तरफ से, एक के ऊपर एक फ्री 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 सेल लगा है। अरे देखो, ये बच्चे की जान लेना चाहते हैं। अरे तुम्हें कहमत भाई, चाचा ने उधार चुकता किया कि नहीं? मैं सब जानता, तुम मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते थे। अच्छा हुआ मैं भाग निकला, वरना मेरा भूत यहां बैठा होता, तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। लो देखो, सुनी दीजिए आ गई। उतरो उतरो, पीछे बैठो, जाओ। हां, तेरी बहन को ही बैठा बाजू में। आइए आइए। क्या बात है कयामत जी, आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हां सुनी दीजिए, पूरा फ्रेश हो गया हूं। सुनिए, हां ये आदमी है ना, मुझे इस पर फुल डाउट लग रहा है। गुटर को करना बंद कर, चाचा को बुलाओ क्या? ए हीरो, वो देख तेरी आर्कियोलॉजिकल साइट। रुक 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 रुक, अब क्या है? उतरना रास्ते में कितनी बार रुकवाता है, मुझे अपना ड्राइवर समझ के रखा है क्या? फ्री का ड्राइवर। अबे तेरे खटारे में इतनी आवाज क्यों आ रही है? हां मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। उस बहरे बुड्ढे की आत्मा तुझ में घुस गई है, चेक कर। हां तब तक मैं मंदिर का पता पूछ कर आता हूं, ठीक से चेक करना। गाड़ी की फायरिंग तो इसकी फायरिंग से अच्छी है, मुझे बेवकूफ बनाता है। आइडिया मैडम जी, वो मंदिर देखने नहीं आया, वो यहाँ पर हीरे ढूंढने आया है। हा? मुझे तो ये इंडियन मुजाहिदीन लगता है या फिर गब्बर सिंह का चेला है। वो हम दोनों को क्या बोल के गया है कि गाड़ी में आवाज आ रही है, लेकिन वो नहीं जानता है कि उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही है। ये देखिए, सुनिए, कुछ बोला क्या? इसमें से तो गधे की आवाज आ रही है। गधे की आवाज? उसी की आवाज है। लग तो ऐसे रहा है जैसे कि गधे की बीवी उसे मार रही हो। ये बात है, लाओ सुनता हूँ। वो गधा बन गया या मुझे गधा बना के गया? एक मिनट मैडम जी, मैं ध्यान से सुनता हूँ फिर आपको बताता हूँ।